दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 66 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। गाइस वीडियो को शेयर जरूर करना और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400, जल्दी से कंप्लीट करवा दो क्योंकि आगे की एपिसोड के लिए। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम प्रिंसेस होस्ट को देखते हैं जो कहती है कि हमारा अगला आइटम आखिरी आइटम भी होने वाला है। अगर आप लोगों को पहले की जो आइस स्कॉर्पियन थी वो थोड़ी कम रेयर लगी, हमारा जो अगला आइटम होने वाला है वो इतना ज्यादा रेयर होगा जिससे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और इस तरफ जू संशी प्रिंसेस के बदले हुए कपड़ों को देखकर चौंक जाता है और बी बताता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अगला आइटम ऑप्शन के लिए आ रहा है उसकी कीमत लगभग 1 बिलियन गोल्ड कॉइन होने वाली है। और प्रिंसेस कहती है, आप सभी को तो पता ही होगा एक स्पिरिट मास्टर के लिए सोल रिंग और सोल बोन कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और सोल रिंग और सोल बोन रखी अपनी खुद की क्लासेस होती है जिनमें 100 कॉमन होती है, 1000 अनकॉमन होती है और जो 10000 होती है उसे रेयर कह सकते हैं। लेकिन जो भी 100,000 ईयर्स ओल्ड होती है वो इस दुनिया में ट्रेजर्स होती है। और अब मैं जो ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ वो 1,00,000 ईयर्स का स्पिरिट बीस्ट से भी कहीं ज्यादा रेयर है। और प्रिंसेस इस ऑब्जेक्ट को अनबॉक्स करते हुए कहती है जो कि यह 1,00,000 स्पिरिट इनकार्नेशन है। और जैसे यह ऑब्जेक्ट अनबॉक्स होता है तो इसमें से काफी तगड़ी रोशनी निकलता है और इस देख हुआ युहाओ और वोंगडोंग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और जब ये दोनों स्पिरिट बीस्ट रेकार्नेशन और 1,00,000 एयर ओल्ड सुनते हैं तो ये कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर प्रिंसेस कहती है, हाँ यह 1,00,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट है, इसे तब पकड़ा गया है जब ये ह्यूमन फॉर्म में रीइंकार्नेटेड होने के प्रोसेस के बीच में थी। और सभी विप रूम में जितने भी लोग होते हैं वो सभी ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस तरीके का ट्रेजर होगा। और फिर प्रिंसेस कहती है, यह कोई 1,00,000 एयर ओल्ड स्पिरिट रिंग या फिर स्पिरिट बोन बन नहीं, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह अनबॉर्न बेबी है। इसका मतलब ये है कि इस स्पिरिट बीस्ट को मारना काफी आसान होगा और इतनी ही आसानी से 100,000 ईयर स्पिरिट रिंग को और 1 स्पिरिट बोन को हासिल किया जा सकता है। और यहाँ तक इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इसे रीइंकार्नेटेड करते हुए पकड़ा गया तब इसकी सारी मेमोरी को भी सील कर दिया गया क्लास 9 के सोल स्पिरिट सीलिंग वेपन की मदद से, जिसने इसकी सारी मेमोरीज को एब्सॉर्ब कर लिया। इसलिए जब आप लोग इसे एब्जॉर्ब करेंगे तो इस चीज की काफी बड़ी संभावना है कि 1 सेकंड स्पिरिट एसेंस का जन्म हो। और प्रिंसेस की सेकंड स्पिरिट वाली बात को सुनकर सभी के काफी तागड़ी वाले होश उड़ जाते हैं। तो होस्ट बताती है, सेकंड स्पिरिट एजेंसी का जन्म अगले दिन हो जाएगा क्योंकि जब आप लोग इसकी एबिलिटी और पावर को अब्जॉर्ब करेंगे तो स्पिरिट बीस्ट होस्ट के बॉडी में एंटर कर जाएगा जहां वो सेकंड मार्शल सोल को जन्म देगा। और सेकंड स्पिरिट का सुनकर होमचेंग मुस्कुराने लगता है और तभी हुआ युहाओ पूछता है, क्या सेकंड स्पिरिट एजेंट को ऑब्टेन करने का कोई ऐसा भी रास्ता होता है? जिस पर वोंगडोंग कहता है, मैंने पहले कभी इस बारे में नहीं सुना। जिस पर आइस एम्परर बताती है, ये संभव है लेकिन इनके बीच में वह नहीं होगा जो तुम और मैं शेयर करते हैं। और तुम खुद सोचो कि किस तरीके का 100,000 ईयर्स का स्पिरिट बेस्ट होगा जो किसी इंसान का स्पिरिट एजेंट बने की इच्छा रखता हो। और तभी स्काई ड्रीम वापस से चापलूसी करते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो आइस एम्परर जितना समझदार हो। और फिर आइस एम्परर स्काई ड्रीम के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, लगता है कि तुम जितना पीते हो उतना काफी नहीं है और मुझे बार बार परेशान करना बंद करो। और इस ट्रेजर की शुरुआती बोली ही 1 बिलियन गोल्ड कॉइन्स की होती है और इस ट्रेजर को विप रूम नंबर 3 वाले ने 1.5 बिलियन गोल्ड कॉइन्स में हासिल कर लिया होता है। और सीयू संशी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर ऐसा कौन है जो इतना ज्यादा खर्च कर सका है? इस पर बी कहता है, वो सच में काफी रिच फैमिली से होगा और भाई लोग इस ट्रेजर को खरीदने वाला और कोई नहीं होमचेंग होता है जो कि इस ट्रेजर को हासिल करके काफी खुश होता है। और तभी कोई कहता है कि इसने तो मेरी आंखें ही खोल दी, चलो अब यहाँ से चलकर आराम करते हैं। और टीचर वैंग कहते हैं, मैंने 10 एलिमेंट स्पिरिट बोन को अकेडमी में भेज दिया है और 2 दिनों बाद तुम लोगों की फाइट रॉयल स्पिरिट हाई स्पिरिट मास्टर अकेडमी से होगा। और जब हुआ युहाओ यहाँ से जा ही रहे होता है तभी युहाओ का ध्यान होमचेंग के ऊपर जाता है और होमचेंग कहता है, ड्यूल स्पिरिट एजेंट की बात तो सच में अलग ही होती है। तो हुआ युहाओ इससे कहता है, मैंने जो इसके साथ जन्म लिया है मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ और ना ही उन लोगों की मदद कर सकता हूँ जो मुझसे जलते हैं। और इस बात पर होमचेंग जाते हुए कहता है, 100,000 ईयर्स रिकॉर्नेशन स्पिरिट बिस्ट मेरे हाथों में है
और अब मुझे बस सेकंड स्पिरिट एसेंस मिलने का इंतजार है। और फिर कहता होनकचे मन में कहता है, चलो फिर देखते हैं कि क्या होता है और तब मैं सभी को बताऊंगा कि यहाँ पर असली जीनियस कौन है, जिसके बाद कोई होनकचे को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल में हुआ युहाओ वोंगडो काफी ज्यादा थके हारे पड़े हुए होते हैं और तो और काफी खुश भी होते हैं। और वोंगडो कहता है, ये तो सच में काफी अमेजिंग था और लगता है कि इसे कंप्लीट करने के लिए हमें फॉरेस्ट में आने की जरूरत होगी और हमारी जो नई स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी है वो आखिरकार कंप्लीट हो ही गई। और फिर हम जंगल में एक काफी बड़ा ग्लो करता हुआ गद्दा देखते हैं जो कि यह बताता है कि इनकी जो भी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और वोंगडोंग कहता है, शुरुआत में तो मुझे लगता था कि तुम बस सारी बकवास ही कर रहे हो, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ जो हम अपनी नई स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक के अंदर सफल हो गए। मुझे माफ कर दो युहाओ, यह मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। और तभी वोंगडोंग देखता है कि हुआ युहाओ तो खराटे मार के सो रहा है, तो इस पर वोंगडोंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। और इस तरफ आइस एम्परर कहती है, समझ में नहीं आता कि यह हुआ युहाओ क्या सच में इतना ज्यादा दम है या फिर सच में ये देख नहीं पा रहा। तो स्काई ड्रीम कहता है, पता नहीं, शायद इंसान इतना दम होते होंगे। तब आइस एम्परर कहती है, क्या तुम्हें वो 100,000 ईयर स्पिरिट रिकार्नेशन याद है? उसमें से जो ओरा आ रहा था वो सच में काफी फैमिलियर था, इस पर तुम्हें क्या लगता है? और जैसे ही आइस एम्परर स्काई क्रीम को देखती तो ये काफी चौंक जाती है क्योंकि वो तो खर्राटे मार के सो रहा होता है। और यह उस पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या भे बदबूदार कीड़े, यहाँ तक कि तुमसे बात करना भी मेरे लिए काफी मुश्किल है। और फिर इम शाउटाओ को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं जहाँ पर यह मन में कहती है, जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है तब से मैं हर दिन टॉर्चर हो रही हूँ और इस इंसिडेंट की वजह से मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती हूँ और हर दिन सिर्फ अपने इंजरी को ट्राइट करना पड़ता है। और जब भी मैं अपने जूनियर्स को अपने पूरे पराक्रम के साथ स्कूल के लिए लड़ते हुए देखते हूँ तो इससे मुझे काफी दर्द होता है और अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। और आखिरकार आज यह मुझे मौका मिल ही गया। और फिर देखते हैं कि अरीना के अंदर श्रेक से श्याताओ दाई येहोग और लिंग होती है जहाँ पर ऑडियंस इन को देखकर कहती है, ये तीन जो स्टार्टिंग मेंबर्स हैं, लगता है कि यही श्रेक के ओरिजिनल मेंबर्स हैं और यह वाला फाइनल मैच होता है ड्यूलिंग और श्रेक एकेडमी के बीच में जहाँ पर सिर्फ तीन स्टार्टिंग मेंबर से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं श्रेक की तरफ से। और ऑडियंस काफी उत्सुक होती है स्टार्टिंग मेंबर्स को देख के और इन सभी को ही उम्मीद होती है कि आज का मैच काफी खतरी होने वाला है। और जैसे मैच शुरू होता है तो शाउटाओ रौद्र रूप में आ जाती है और यह मैच की शुरू होते ही अपनी सारी सोल रिंग को रिलीज कर देती है और काफी खतरनाक तरीके से फायर भी रिलीज कर रही होती है और मन में कहती है, अब तुम वो पेन को महसूस करोगे। और इस तरफ टीचर वैंग शाउटाओ से रश ना करने के लिए कह रहे होते हैं जबकि अरीना के अंदर डॉलिंग अकेडमी का जो कैप्टन होता है वो सभी से केयरफुल रहने के लिए कहता है और कहता है कि इनसे संभल के रहना, पास दो स्पिरिट किंग है, इनके पास दो स्पिरिट किंग है। और इस तरफ शाउटाओ एक्शन में आते हुए मन में कहती है, मुझे सभी को श्रेक की असली स्ट्रेंथ बताने की जरूरत है। और शाउटाओ की इस हरकत को देखकर टीचर वैंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यह मन में कहते हैं, शाउटाओ आखिर तुम ये क्या कर रही हो और हमने तो प्लान किया था ना कि तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ को छुपाए रखेंगे। और इस तरफ शाउटाओ गुस्से से मन में कहती है, तुम लोगों की वजह से मुझे अपने जूनियर्स को सफर और हर्ट होते हुए देखना पड़ा। और फिर शाउटाओ खतरनाक अटैक कर देती है जिस वजह से आसमान में से काफी सारे फायरबॉल गिरने लगता है। और इस तरफ लिंग और डाई येहोंग भी एक्शन में होते हैं और इन तीनों को लड़ता देख डॉलिंग एकेडमी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि यह लोग तो काफी ज्यादा डरावने हैं, हम उनसे किसी भी हालत में नहीं जीत पाएंगे। जिसके बाद ये सभी गिव अप कर देते हैं। और इस तरफ टीचर वैंग को शाउटाओ के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और इस तरफ अरीना के अंदर एक के बाद एक करके काफी तगड़ा ब्लास्ट हो रहे होते हैं और इन मीठी ओर से डॉलिंग एकेडमी के स्टूडेंट को बचाने के लिए जज बीच में आके इन्हें प्रोटेस्ट करने लगता है। और इसी के साथ श्रेक एकेडमी ने इस मैच को जीत लेती है। और फिर हम होटल के अंदर शाउटाओ को काफी खुश देखते हैं और यह आज के मैच से काफी संतुष्ट होती है और खुश होते हुए मन में कहती है, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो जीत क्या ही बढ़िया थी, आखिरकार मैं अपनी सारी भड़ास निकाल पाई। और ऑडियंस का जो रिस्पांस था वो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग था और वाकई में आज तो मजा ही आ गया। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैं इसका अगला पार्ट को भी जल्द ही अपलोड करूंगा।